Hello everyone, my name is Daisy and in this video I am going to explain question number 14 of exercise 2.2. And the question is, Lakshmi is a cashier in a bank. She has currency notes of denomination rupees 100, rupees 50, rupees 10 respectively. The ratio of the number of notes is 2:3:5. The total cash with Lakshmi is 4 lakh rupees. How many notes of each denomination does she have? देखिए क्वेश्चन को समझते हैं पहले. क्वेश्चन में गिवन है कि लक्ष्मी एक कैशियर है और उसके पास कितना कैश है? 4 लाख रुपीस. ठीक है, अब ये 4 लाख रुपीस किस तरह से है कि उसके पास 100 रुपीस के नोट है, 50 रुपीस के नोट है एंड 10 रुपीस के नोट है. ओके, और हमसे पूछा गया है कि ये जो नोट्स हैं, मींस 100, 50 और 10, ये कितने हैं. मींस नंबर ऑफ 100 रुपीज नोट कितना है, नंबर ऑफ 50 रुपीज नोट कितना है एंड नंबर ऑफ 10 रुपीज नोट कितना है. ओके, तो ये हमें फाइंड करना है. और हमें रेशियो गिवन है कि जो नोट्स हैं ये किस रेशियो में है, 2:3:5. ओके, तो ये रेशियो जो हमें गिवन है इससे हम फाइंड करेंगे, इसे हम एज्यूम करेंगे कि नंबर ऑफ 100 रुपीज नोट्स क्या हो जाएगा, 2x. नंबर ऑफ 50 रुपीज नोट क्या हो जाएगा, 3x. एंड नंबर ऑफ 10 रुपीज नोट कितना हो जाएगा, 5x. ओके, तो यहां से करेंगे स्टार्ट एंड बनाएंगे एक इक्वेशन. इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करेंगे. तो हम फाइंड करेंगे कि जो डिनोमिनेशन है उसमें कितना 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 नोट है. ओके, तो करते हैं स्टार्ट. लेट नंबर ऑफ रुपीज 100 नोट्स इक्वल्स टू कितना है उसका रेशियो, 2, तो कितना हो जाएगा, 2x. नंबर ऑफ रुपीज 50 नोट्स कितना है, 3, सो क्या हो जाएगा, 3x. एंड नंबर ऑफ रुपीज 10 नोट 5 है यहां पर, तो 5x. ओके, एंड नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इनको करेंगे हम प्लस. कैसे, पहले फाइंड करेंगे कि अमाउंट कितना है और वो कैसे फाइंड होगा, 100 इंटू दिस, 50 इंटू दिस, 10 इंटू दिस. ओके, तो क्या हो जाएगा देखिए, 100 इंटू 2x प्लस 50 इंटू 3x प्लस 10 इंटू 5x. ओके, और ये सब मिलकर टोटल कितना है, 4 लाख. 4 लाख. ओके, अब यहां से हमें इक्वेशन हमारी मिल गई, इसको करेंगे सॉल्व. तो ये कितना हो जाएगा हमारा, 200x प्लस 150x एंड प्लस 50x इक्वल्स टू 4 लाख. एंड ये कितना बन जाएगा, 400x इक्वल्स टू 4 लाख. और 400 को करेंगे इधर ट्रांसपोज, तो x की वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी, दिस अपॉन 400, इससे 2 जीरो एंड 4 कैंसिल. तो फाइनली हमें यहां से क्या मिल गया, 1000. ओके, तो x की वैल्यू हमें क्या मिल गई, 1000. तो यहां से अब हम नंबर ऑफ नोट्स फाइंड कर सकते हैं. तो देखिए क्या आ जाएगा आंसर हमारा, नंबर ऑफ ऑफ रुपीज 100 नोट्स इक्वल्स टू कितना है, 2x एज्यूम किया था हमने, तो क्या आ जाएगा हमारा, 2 इंटू 1000. ओके, तो क्या बन गया, 2000. तो 2000 नोट्स हमारे पास कैसे हैं, 100 रुपीज के. ओके, एंड नाउ 50 रुपीज के कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ नोट्स ऑफ रुपीज 50 कितना हो जाएगा, 3 इंटू 1000 दैट इज 3000. ओके, एंड लास्ट नंबर
₹10 नोट्स इक्वल्स टू कितना है यहां पर 5x है तो क्या हो जाएगा 5 × 1000 दैट इज 5000 ओके तो 100 रुपीज के नोट कितने हैं 2000 है उसके पास 50 रुपीज के कितने हैं 3000 एंड 10 रुपीज के कितने हैं 5000 नोट्स ओके सो आई थिंक ये भी आपको अच्छे से समझ आया होगा समझ आया तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही भूलिए थैंक यू